अगर हम 35-40 सीटें लड़ने जा रहे हैं कोलिशन और 35-40 में आप 25-30 सीटें जिता के लाओगे तो मैं गारंटी दे दूंगा अगला चीफ मिनिस्टर रोटेशन होगा। इंडिया में खींचतान, गठबंधन में घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए पार्टियां हर हथकंडा अपना रही है। आलम यह है कि गठबंधन में बैठे सहयोगी दल एक दूसरे को ही ललकार रहे हैं। एनडीए के खेमे में जहां मान मनोबल का दौर जारी है, वहीं चुनावी गुत्थी सुलझाने की कोशिश में इंडिया गठबंधन की राह आसान नहीं है। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सीएम कुर्सी पर उनकी भी नजर है। कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि 34 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि 30 सीट जीत कर दिखाइए, सीएम बदल देंगे। मतलब साफ है कि जो हाल में सीएम है वो नहीं होंगे, यानी कि सीएम फेस को लेकर एनडीए का वही हाल है जो इंडिया गठबंधन का है। तो इंडिया गठबंधन में भी सीएम फेस को लेकर कुछ फिक्स नहीं है। तो झारखंड में जारी सियासी उठापटक और अटकलों के बीच इंडिया गठबंधन कितना एकजुट है? गठबंधन की सरकार सुरक्षित होगी या फिर नहीं? कांग्रेस और जेएमएम में क्या टूट होने वाली है? क्या कांग्रेस सीएम का पद चाहती है? क्योंकि हाल ही में जो बयान सामने आए उसे देख तो ऐसा ही लगता है। जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 30 से 35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 30 सीट आप जीत कर दिखाइए, सीएम बदल देंगे। साफ तौर, साफ संदेश गुलाम अहमद मीर का। आपको पहले वो बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैंने ये 8-9 महीनों में देखा, तकरीबन आप सारे लोग मेरे से मिले होंगे, कोई सुबह कोई शाम कोई कहीं कोई कहीं। एक कॉमन मैंने चीज देखा कि बहुत सारे इश्यूज है जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड होते, आखिरकार सरकार मुख्यमंत्री होता है। आपके मुंह में पानी आता है कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए कि हमारा भी मुख्यमंत्री बने, जो बहुत वर्कर्स के मन में है। क्योंकि मुख्यमंत्री हमारा बने तो हमारे काम थोड़े और तेजी से चलेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष की इज्जत रहेगी। कई लोगों ने कहा, कई सारी मीटिंग्स होती है सरकारी मीटिंग, हमको कोई खबर नहीं होता, ये आज भी खबर है हमारे पास। और अगर वो चाहते हो आप थोड़ा सा, अगर कल फिर हम आपस में बैठेंगे तो आजकल जमाना है रोटेशनल, हम मगर उस लायक तो हो पहले। अगर एक तरफ 40 सीटें लेकर आया हो और एक तरफ हम 12 या 15 सीटें लेकर आए तो कौन देगा हमें रोटेशन? देगा कोई? हाँ या ना बोलो, तो मशवरा कर रहे हैं आपसे। अगर हम 35-40 सीटें लड़ने जा रहे हैं कोलिशन में और 35-40 में आप 25-30 सीटें जिता के लाओगे तो मैं गारंटी दे दूंगा अगला चीफ मिनिस्टर रोटेशन होगा। हम एक ही तरफा उसको नहीं चढ़ाएंगे, मगर उसके लिए पहले हमें क्वालिफाई करना है, हमें 25-30 सीटें लेकर आना है। वो 25-30 सीटें लेकर आएंगे जब हम लोग एक सिमर में चलेंगे, जब हम लोग एक प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। और दो ही बड़े टारगेट लेकर आपको चलना है कि इन 4 स्टेटों के, खासकर झारखंड स्टेट के बाद में हमने देश में सरकार का पलटा बदलना है और मोदी को रुखसत करना है, राहुल गांधी जी को मोदी रत्न बनाना है। और दूसरा टारगेट आपको लेकर चलना है कि हम रोज वो बैगिंग बबल लेकर ही ना रहे, हमारे कोई 2-3 मंत्री रहे और उससे पूरे प्रदेश के सारे काम होते नहीं। तो हम चाहेंगे कि इस चुनाव के बाद में हम कोई मोटा डिसीजन ले, तो मोटा डिसीजन लेने के लिए आप सब लोगों के कंधों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि फिर आप लोग 25-30 सीटें निकालने की कोशिश करो, जो अभी हमारे पास 17 सीटिंग है।
तो आपने सुना गुलाम अहमद मीर क्या कुछ कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं और ऐसे में प्रदेश प्रभारी का ये बयान अपने आप में सियासत तेज कर रहा है। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय कुमार चौरसिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, खुर्शीद हुसैन रूमी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, एएस देओल जेएमएम के स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं खुर्शीद हुसैन जी आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, मुख्यमंत्री बदल जाए, तो हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 30 से 25 सीटें जीतेंगे, मुख्यमंत्री बदल जाएगा। मतलब सीट का बंटवारा हुआ नहीं खुर्शीद जी, दावा पेश कर दिया है मुख्यमंत्री सीएम फेस के लिए। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के सीएम फेस नहीं है। खुर्शीद जी ऐसा है कि आज जो बैठक हुई है उसमें मीर साहब के साथ भूपेश बघेल भी आए हुए थे, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है और कार्यकर्ताओं को इतना तैयार करना है कि सीट शेयरिंग का जब बैठक होगा और कांग्रेस के कोटे में जितने सीटें मिलेंगी तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को बदलने की कोई बात है। हेमंत सोरेन 41 और 43 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और ज्यादा सीट जीतते हैं। हमारे यहाँ गठबंधन के नेता वही हैं और नेतृत्व भी वही झारखंड चुनाव में करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है, सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतनी है, जिसकी ज्यादा सीट होगी उसी का। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए झूठ बोल दिया गया, मुख्यमंत्री हमारा होगा। सुनिए तो सही, जिसकी ज्यादा सीट होगी मुख्यमंत्री उसका होगा। जेएमएम के प्रवक्ता है एस देओल जी, जिसकी जितनी सीट मुख्यमंत्री उसका। देओल जी आप जब वो अमित शाह का वीडियो प्ले कर रहे थे, हमारे तक आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने नहीं सुना और ना मैंने अभी तक देखा है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो उनके पार्टी के उन्होंने जो कहा मैंने आपको साफ साफ लफ्जों में समझा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 से 35 सीटें हम चुनाव में लड़ेंगे और 30 सीट अगर आप जीत जाते हैं तो पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए पार्टी का सीट शेयरिंग के लिए जो स्टेट के प्रभारी हैं वो, बट फाइनल जो डिसीजन होता है वो आपको भी मालूम है कि राहुल गांधी जी या फिर खड़गे जी ये डिसीजन लेते हैं, प्रदेश प्रभारी वहां लेके जाते हैं। तो प्रदेश प्रभारी जो बयान दिया है ऐसे बयानों से बचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि इलेक्शन में हम एक बहुत बड़ी फाइट लड़ रहे हैं एनडीए से। और बट जहां तक मैं जानता हूं और ये क्यों बोला जाता है, बहुत सारी चीजें अपने तो जैसे रूमी जी ने कहा कि एक तो है कि उत्साह भरने के लिए कि हाँ हम इतने उत्साह भरने के लिए झूठ का सहारा, ज्यादा सीटें लाए, तो फिर चुनावी वादे भी उत्साह भरने के लिए झूठ का सहारा ले लिया गया। इसका मतलब खुर्शीद जी ने तो यही कहा, उत्साह भरने के लिए कह दिया गया है। झूठ का सहारा क्या है, तो ये सच्चाई है क्या है, क्या सच्चाई है? आप देखिए कहने के लिए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। आपने आपने एक लाइन पकड़ ली उस पर आप कर लिए, तो जब अभी उस लाइन के मायने बहुत है और झारखंड की जो तस्वीरें हैं वो बदल जाएंगी ना। मैं उस लाइन पर नहीं बात कर रही। ये चीज पिछली बार से भी मैं आपका जितने भी आपके अप्रेंशन से उसको दूर कर देता हूँ। सीएम का चेहरा हेमंत सोरेन थे हैं और रहेंगे, ठीक है। विजय कुमार चौरसिया जी आपके अंदर खेमे में भी किचकिच है, यहाँ भी किचकिच और सभी जगह चिक-चिक चल रही है कि अब कौन होगा सीएम फेस। आपने भी नहीं अपना पत्ता खोला है, आप पर्दे के पीछे आपकी बहसबाजी और फाइट चल रही है, इनके पर्दे के सामने सामने दिख गया। नहीं, ऐसी कोई बहसबाजी हमारे पर्दे के पीछे भी नहीं है सुरती जी। मतलब जी मतलब सीएम फेस का कौन दावेदार है? आपके पास वो तस्वीरें साफ साफ है, आप बता देंगे कौन है दावेदार? पीएम मोदी के फेस पे ही चुनाव? नहीं, मोदी जी तो सर्वमान्य हैं और वो तो हमारे फेस हैं ही, चुनाव के हमेशा रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका जो गठबंधन है, हम लोग क्यों ठगबंधन कहते हैं इसे, ये लोग को आपस में ही ठगी के पैतरे हैं। एक राज्य के चुनाव प्रभारी मीर साहब बहुत बड़े पद में है, बहुत आदरणीय है, उन्हीं के नेतृत्व में ये गठबंधन यहाँ चुनाव भी लड़ना है, इंडी गठबंधन को।
और वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा कांग्रेस का रहेगा अगर आप इतनी सीटें लाते हो तो। और देओल साहब उसको काट भी नहीं रहे। देओल साहब कहते हैं कि जो फैसला है वो राहुल गांधी लेते हैं, खड़गे जी लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी और खड़गे जी से बगैर मशवरा किए मीर साहब ने ये बातें यहां पे कह दी अपने कार्यकर्ताओं को? इसलिए मैं कहता हूं कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और जनता को तो ठगती ही है, ये अपने एक दूसरे को भी ठगी से बाज नहीं आते हैं। देओल साहब कह रहे हैं कि चुनाव है, कुछ भी कहा जाता है उत्साह वर्धन के लिए। यही उत्साह वर्धन के लिए इन्होंने कई वादे किए, उनका जो निश्चय पत्र आया था आपने देखा था। तो ये ठगी झारखंड की जुआ से, झारखंड के किसानों से, झारखंड के महिलाओं से किया ही। अब एक दूसरे से इन लोग के पैतरे हैं और वो भी खुलेआम है, तो जनता समझ रही है इनके ठगबंधन का जो तरीका है। कांग्रेस बेचारा आहत है, कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? सारे जो मशीनरी है सरकारी वो कल्पना सोरेन को एक क्या कहें उसको स्टारडम देने में लगा हुआ है। आखिर कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षुब्ध है। मैं बहुत सारे इसके लोग हमसे मिलते हैं, कांग्रेस के बहुत सारे भाई लोग बहुत इस सरकार से निराश है। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा हो, कांग्रेस का हो, जब हम इतना मेहनत करते हैं। और ये जायज है मांग, खुर्शीद जी भी उस पर अभी मुहर ही लगा रहे हैं। ये मांग कांग्रेस की नाजायज नहीं है, बड़ी पार्टी है, पूरे देश में संगठन है। तो मांग, अब इस मांग को देओल साहब भी कह रहे हैं कि राहुल जी जो कहेंगे वो होगा। अब इसको हेमंत जी किस नजरिए से लेते हैं ये बड़ा देखने वाली बात होगी, कि जिसकी जितनी सीटें होगी, जिसकी सीटें ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसका होगा। कम से कम ये तो क्लियर ये लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है भाजपा का स्वागत करती है। तो मुझे लगता है इस स्टेटमेंट के बाद सीटों का बंटवारा भी सोच समझ कर जेएमएम पार्टी करेगी। देखिए हमारे मित्र बोल रहे हैं, पर उन्होंने जब मैंने लास्ट में जो बातें कही उसको वो मतलब या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या अपने लाला लैंड में थे। मैंने कहा कि झारखंड में सीएम का हेमंत सोरेन थे, हैं और रहेंगे। मैंने ये कहा कि जो फाइनल कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो दिल्ली में डिसाइड होगा, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि सीएम आप कहना चाहते हैं जो कि चुनाव प्रदेश प्रभारी जिस तरीके का बयान दे रहे थे उन्होंने अपने मन से दे दिया है बिना सोचे समझे। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी और क्या ही। सबसे बड़ी बात श्रुति जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। तो आप जेएमएम के प्रवक्ता तो नहीं? मैं जेएमएम के प्रवक्ता हूँ, मैं तो क्या ही लगा सकता हूँ ना। और जैसे हमारे मित्र बीजेपी के बोल रहे हैं कि लेकिन सहयोगी दल है आपका उसके साथ भाई सुनाई मैं हम तो आप अब रांची कोई भी विधानसभा सीट से ले लीजिए, उन्होंने तो 81 सीट, हमने भी 81 सीट पे कैंडिडेट के हमारे यहाँ भी एप्लीकेशन है कि हम लड़ना चाहते हैं सीट से, उनके यहाँ भी 81 सीट से। ऐसा क्या है कि हम लोग अलग अलग हो गए क्या? सबके पास कैंडिडेट है सब सीट से, तो बस जो डिसाइड होगा वो तो दिल्ली में ना डिसाइड होगा। तो फिर इसमें क्या थे? ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के मित्र हैं, शुभ है, इनके पास आ रहे थे, आप ज्वाइन करवा लीजिए बीजेपी में उनको, ले लीजिए वैसे तो शुभ है। नहीं सही है, हमें इंडिया गठबंधन आपकी पार्टी एनडीए और बीजेपी बीजेपी की अपनी औकात तो है नहीं, ये तो गौरव प्लेट है, इंडिया गठबंधन के चेहरा है। हमारे यहाँ का कचरा साफ ही कर दीजिए, हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग चले जाए जिनको गठबंधन का कोई ये नहीं है, जो गठबंधन के तरफ की तरफ ईमानदार नहीं है वो चले गए बीजेपी में। आज इनके में अच्छा ये आपने मीर साहब की एक बात तो पकड़ ली, आज इनके नेता हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मैं एक एक बाबर की औलादों को इस देश से भगा दूंगा। तो क्या ये बोलना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को भी ये इस देश में नहीं रहने देंगे? क्या किसी टीवी वाले ने यार आपने एंकर ने उठाया ये बात? आपको ये बात सुबह नजर आ गई कि भाई ये बाबर की औलादों को बाहर भेज देंगे? ये की बात है, आप इनसे पूछ लीजिए क्या हिंदुस्तानी मुस्लिमों से इनको इतना डर है? देवल साहब आप विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन के बाद अभी बात बोलते हैं, ताल ठोक करके बोलते हैं। और सभी लोग बाबर के आपको आप
आप बोलने का मतलब है कि सुन ले पहले पूरी बात बातों में इतनी बात नहीं है कि बीजेपी वाले हिंदुस्तान से मुसलमान ना इतनी आवाज नहीं है आप लोगों में, इसलिए ऐसी बात मत बोला कीजिए। देवल साहब आप सुन तो लो, बांग्लादेशी घुसपैठ चाहे वो जहां से भी आए चाहे पाकिस्तान से आए उस एक एक को दूर करके बाहर करना मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो में है प्ले कर दीजिए और अंतर मत होइए। आप पहले ये क्लियर कीजिए कि मीर आप एज ए प्रवक्ता जेएमएम आज आप एज ए प्रवक्ता जेएमएम आदरणीय मीर साहब के बयान को आप काट रहे हैं क्या? हाँ काट रहा हूँ मैं, नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है विजय चौरसिया जी, नोटेड। ये कांग्रेस प्रभारी के बयान को काट रहे हैं मिस्टर देओल साहब, ये नोटेड। और मैं पार्टी के सब सीएम के बयान को भी काट रहा हूँ, वो भी याद रखिए। और आपकी औकात बता रहा हूँ कि आप लोग में औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बार बार याद रखें। खुर्शीद साहब का थोड़ा ओपिनियन मैं सुन लूं, खुर्शीद साहब सुन लीजिए। खुर्शीद हुसैन जी, आपको दो चार छह महीने पहले ले चलता हूँ। हेमंत हाँ। जी जब जेल में थे हाँ। हाई कोर्ट ने क्या भ्रष्टाचार में जो आरोप लगाया है, खुर्शीद जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, खुर्शीद जी सवाल सुन लीजिए। क्या डर गई है कि कहीं फिर से जेल ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाए अगर सत्ता में आई तो? ठीक है खुर्शीद जी बोलिए। हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनके खिलाफ कोई आधार नहीं बनता है, तब हाई कोर्ट ने बेल दिया है उनको, बेल मिली। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया और यहाँ का नेतृत्व भी दिया। आज मीर साहब ने जो कहा है वो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए कहा है। सीट शेयरिंग पर अभी हमारी कोई बैठक नहीं हुई है, 2019 का ही फॉर्मूला अगर एडॉप्ट कर लिया जाए तो हम 31 सीटों पर लड़े थे और दो विधायक हमारे दल में शामिल हुए थे, 33 का हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। हमारे दल में राजद भी है, अब मासस और माले का विलय हो गया है, वो भी आएंगे, तो सीट शेयरिंग की फॉर्मूला पर बैठक होगी, किसको कितना सीट मिलेगा, जिसको ज्यादा सीट मिलेगा जाहिर सा है कि मुख्यमंत्री उसका होगा। एस देव जी, जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी मुख्यमंत्री उसका होगा, ये बयान तो सुनाई दिया हो ही होगा आपको, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के वो बोल रहे हैं। देखिए उनका अपना मतलब हेमंत सोरेन की जो दावेदारी है, सीएम फेस को लेकर जो दावेदारी है उस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। बिल्कुल नहीं, नहीं कोई सवालिया निशान नहीं, आप कह रहे सवालिया निशान नहीं है। खुर्शीद हुसैन जी बोल रहे हैं कि पार्टी का जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। बात तो ये है ना कि ये जब विधायक दल की बैठक में डिसाइड होगा ना, बट इलेक्शन में तो हेमंत सोरेन सीएम के फेस से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये पूछ लीजिए, इसमें कहां के अभी कंफ्यूजन है। साहब तो मना कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? खुर्शीद साहब तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री बता रहे हैं आप लोग, अगर कुछ ले रहे हैं उनसे पूछ लीजिए इलेक्शन में हेमंत सोरेन सीएम से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पूछिए आप खुर्शीद जी से। खुर्शीद जी साहब जी हाँ, सीएम फेस होंगे हेमंत सोरेन, आपकी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है सत्ता पर, सत्ता की कुर्सी पर किसी और को बैठाया जाए? श्रुति ये काल्पनिक सवाल है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा नहीं है खुर्शीद जी, ये बयान आपके ही सवाल है, ये काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक होता तो मुझे नहीं लगता ये बयान सामने आते, ये काल्पनिक सवाल है, समय आने पर सारी चीजें क्लियर। आप कभी कह रहे हैं कि आपके जो नेता ने कहा वो जो बयान सामने आया वो बस उत्साह वर्धक बयान था, उत्साह देने के लिए कभी और करने में अंतर होगा, आप कह रहे हैं कि काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक सवाल नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप कह रही हैं कि हेमंत सोरेन पर आप चुनाव लड़ेंगे और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये छल नहीं होगा जनता के साथ? जनता तो हेमंत सोरेन के चित्र पर, हेमंत सोरेन के फेस पर वोट डालेगी। भाई हेमंत सोरेन अभी गठबंधन के नेता हैं। हाँ अच्छा जी, अभी हेमंत सोरेन ही गठबंधन के नेता हैं जी,
जी, और तो सीट शेयरिंग पर हमारी कोई बैठक नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर जो फॉर्मूला तय होगा उसके बाद किसको कितना सीट मिलता है, किसके कितने विधायक जीत कर आते हैं, वो विधायक दल तय करेगा ना। जी 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 जी, देओल साहब को बता दीजिए। बता दिए, समझ गए देओल साहब। हेमंत सोरेन के चेहरे में हुसैन साहब दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं, जब दिक्कत है ही नहीं तो ये बयानबाजी कैसी? कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये कहा कि हेमंत सोरेन अभी गठबंधन के नेता हैं। तो खुर्शीद जी आप बोलिए ये बात कि हेमंत सोरेन ही चेहरा होंगे और अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतती है तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी हमारी नहीं, कोई फिर खुर्शीद जी फिर वही बात, सीट शेयरिंग की बात नहीं करें। जीत जिसकी भी पार्टी की हो, आपको सबसे ज्यादा सीट मिले या जेएमएम को मिले, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे हमको ज्यादा सीट नहीं मिल रहा है, जेएमएम ज्यादा सीट पर लड़ता है, इससे पहले मतलब ये पहली मतलब आप उसके विधायक ज्यादा जीत कर आए। हमारे सिर्फ 17 विधायक हैं, 2 विधायक हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं और 31 सीट पर पहले हमने 2019 के फॉर्मूला पर 2019 में 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेपी भाई पटेल और प्रदीप यादव दोनों हमारे दल में शामिल हुए तो 33 का हमारा दावा तो है। 2019 की थ्योरी जो हमें सुना दी तो ये जुमला क्यों, फिर आपके प्रभारी ने ये जुमला क्यों ही डाला फिर जनता को भ्रमित करने के लिए? उसमें खराबी क्या है, उसमें अगर खराबी नहीं है तो खराबी नहीं है तो आप भी साफ साफ बोल दीजिए फिर। अरे 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर अब 32 सीट हम जीत के आएंगे तो जाहिर सा बात है कि सबसे बड़ा दल हम होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री को वही बोला ना आपके आपके प्रभारी ने भी साफ साफ यही बोला था, यही संदेश दिया है कि पार्टी अगर सबसे ज्यादा सीटें जीत कर लाएगी तो हेमंत तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हेमंत सोरेन के चेहरे पर आप लोग को दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई तय नहीं हुआ है। खुर्शीद जी मुझे लगता है आप ही आप बहुत क्लियर आउट नहीं है कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं एकदम क्लियर हूँ, गुलाम अहमद मीर साहब ने जो कहा है वो पार्टी के प्रभारी हैं और जिम्मेदार पद पर हैं। बिल्कुल साहब, क्या आपको लगता है कि सीएम के फेस पर इंडिया गठबंधन में कोई सवाल उठना चाहिए था? नहीं होगा सवाल। हाँ, अभी इलेक्शन देव जी, क्या खुर्शीद हुसैन यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने साफ संदेश जो दिया वो सही कहा था कि जिसकी सीट सबसे ज्यादा उसी का मुख्यमंत्री? हाँ, क्योंकि कल होकर आपको यही झमेला देखना है आगे, भले आप अभी भी कर उड़ा सकते हैं। ये झमेला नहीं होना, जो मीर साहब ने कहा आपको कहता हूँ, अपने रिपोर्टर को उनके पास भेजिए, उनसे एक्सक्लूसिवली पूछ लीजिए कि आप देओल जी, देओल जी सवाल समझिए, सवाल साफ है, क्या उनके प्रभारी ने जो बयान दिया, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने जो बयान दिया वो सही है या गलत है? बस मैं पहले कह चुका हूँ कि हेमंत सोरेन हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री के थे हैं और रहेंगे, इसमें कोई तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। आप अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मीर साहब से एक्सप्लेनेशन लीजिए। नहीं तो सहयोगी दल है आपके देओल साहब, आपको ठेस तो पहुंची होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी सहयोगी पार्टी है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, जब तक सीट शेयर नहीं हो जाती उनके पास भी काफी सीट के लिए एप्लीकेशन है, हमारे पास भी काफी सीट के लिए एप्लीकेशन है, तो हम अपने एकाशी क्या बोलेंगे कि नहीं, तुम दिमाग मत लगाओ। देओल जी इस पूरे बयान को सुनने के बाद, देओल जी सुन लीजिए, ये भले उत्साह वर्धक बयान हो, पार्टी के गरिमा पे ठेस पहुंची, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना है आपको ठेस पहुंची, आपके दिल को ठेस पहुंची है? नहीं, कोई ठेस नहीं पहुंची। मतलब आप लोग बहुत लाइटली ले गए इस बयान को, ऐसी बहुत आपको नहीं, लगा नहीं, कि बस ऐसे ही कांग्रेस के लोग बोलते हैं और बस सुन लिया जैसे काम कर रहे हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। यही ड्यूटी है डेमोक्रेसी की एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की, सबको अपने विचार रखने की छूट है। हम ये नहीं, मोदी के राज में नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता कुछ, नहीं नहीं जो जिसके दिल में वो बोलेगा, बट ठीक है, चलो सीधे देख लीजिए, डिसाइड होगा। ये बयान है कि हेमंत सोरेन को दिक्कत नहीं है। सुरुति जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है,
इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है नहीं। और कुछ भी बोल सकते हैं। देओल साहब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हेमंत सोरेन की जगह पर कोई भी हो, वो ये कह रहे हैं। हाँ 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 ना ना मैं आपको बता दूँ, या तो देखिए या तो आप कोटली हिंदी मीडिया हो गए या बीजेपी वालों ने आपका कंटेंट डलवा दिया है। मेरी बात को मैंने बड़े क्लियर तौर पर कहा, इनकी नियम से यूं कर रहे थे चेंज और हर कांग्रेस और जेएनएम के लिए चेंज नहीं कर सकते, ना सरकार आनी है चेंज कर रहे हैं, ना बननी है ना ही मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई। श्रुति जी, मुख्यमंत्री की लड़ाई हो इनके लिए चुनाव के बाद, ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है, ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री का ख्वाब एस देव जी, सहयोगी दल आपके हैं, बयान आपके ही सहयोगी दल की तरफ से सामने आ रहा है, भले ही उत्साहवर्धक हो लेकिन जनता के बीच संदेश कहीं ना कहीं साफ तौर पर जा रहा है कि जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी वो मुख्यमंत्री उसी को बनाएगी। ठीक है देओल जी, ना मैं प्रवक्ता हो रही हूँ ना मैं सियासत कर रही हूँ, जो बयान आया है मैं आपको वही समझा रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। एस देओल जी आपका बहुत शुक्रिया, खुर्शीद हुसैन जी आपका बहुत शुक्रिया, और विजय कुमार चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए चर्चा में। तो अब फिर से सीएम फेस को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए कुनबे में दोनों में ही सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे ये सियासी रंग किस तरीके से आगे रुख लेता है। बहुत चीजें अब फिर से चुनावी दंगल में आपको देखने को मिलेगी। जनता अब किसे चुनती है, जनादेश क्या आता है, झारखंड की सियासत में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस। अगर हम 35-40 सीटें लड़ने जा रहे हैं कोलिशन और 35-40 में आप 25-30 सीटें जिता के लाओगे तो मैं गारंटी दे दूंगा अगला चीफ मिनिस्टर रोटेशन होगा।